कई महीने से गाली पर गाली, गाली पर गाली, गाली पर गाली, आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप। इससे हमें भी कष्ट होता है, हमारे परिवार को भी कष्ट होता है। 12 साल से लगातार इनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, केवल इनके साथ। वो यौन उत्पीड़न देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं होता है? ये पद मुझे दिनेश फोकाट की कृपा से नहीं मिला है। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं हूं। और जो जांच एजेंसी वर्तमान समय में दिल्ली पुलिस है, उसके उस पर भी मुझे पूरा भरोसा है, मुझे किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं है और मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। और इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। जांच एजेंसी जहाँ भी उचित समझेगी उसकी हर जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है। और मुझे या मेरे समर्थकों को ये आदेश सर्वमान्य है और मुझे जांच एजेंसी पर भी पूरा भरोसा है और मुझे और मेरे समर्थकों को न्याय मिलेगा। क्योंकि लगातार कई महीने से गाली पर गाली, गाली पर गाली, गाली पर गाली, आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप। इससे हमें भी कष्ट होता है, हमारे परिवार को भी कष्ट होता है, हमारे समर्थकों को भी कष्ट होता है। लेकिन हम चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली पुलिस कर रही है वो करें। और शीघ्र ही मेरा एक शब्द है कि शीघ्र ही, जल्द से जल्द ये जांच पूरी करके जो भी कार्रवाई बनती हो उसे करना चाहिए। नहीं, फेडरेशन का कोई रोल नहीं है, फेडरेशन का कोई रोल नहीं है। और इन लोगों की डिमांड लगातार बदलती है। अगर इनके पुराने बयानों को आप सुनेंगे तो ये जनवरी में इनकी मांग निकल करके आई थी कि अपने पद से इस्तीफा दें। मैंने उस समय कहा था कि पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया, मेरा कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। जब तक नई बॉडी नहीं बन जाती है, और अभी सरकार ने आईओ की एक कमेटी गठित की है, 3 लोगों की कमेटी गठित की है जिसमें एक कोई हाई कोर्ट का जज होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, उनकी देखरेख में 45 दिनों के अंदर चुनाव संपन्न होना है। चुनाव संपन्न होते ही मेरा कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ। और इनकी डिमांड लगातार बदल रही है। अगर इनके बयान को आप सुनेंगे तो लगातार ये देखेंगे कि ये हर रोज एक नया मुद्दा लेकर के आ जाते हैं। इन्हीं के कहने पर जांच कमेटी बनी, इन्हीं के कहने पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसको जांच कमेटी में शामिल नहीं होना चाहिए था, उसको भी सरकार ने शामिल किया। मुझे आपत्ति करनी चाहिए थी, मैंने कोई आपत्ति नहीं की। जांच कमेटी की रिपोर्ट लगातार इनके पास पहुंच रही थी, कौन कौन खिलाड़ी क्या क्या बोला लगातार डे बाई डे इनके पास पहुंच रही थी। इनको जब आभास हो गया कि जांच कमेटी में कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं, तो इन्होंने कमेटी के सार्वजनिक होने का इंतजार भी नहीं किया और ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और एक कोई नया मामला लेकर के भी गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में नया मामला लेकर के गए हैं और इन्होंने जिन बच्चों को पहले पेश किया है, कोई नाबालिग मैं नहीं जानता, एक ऐसा हवा में निकल करके आ रहा है कि उसमें से कोई नाबालिग है, तो मेरा सवाल यह है कि उसको जांच कमेटी के सामने क्यों नहीं पेश किया गया। और मैंने एक ऑडियो दिया है जिसमें एक खिलाड़ी, मैंने एक ऑडियो दिया है
जिसमें धरने पर बैठा हुआ एक खिलाड़ी किसी लड़की से कह रहा है कि किसी भी लड़की का इंतजाम कर दो, किसी भी तरीके से इंतजाम कर दो। मतलब ये चार चार महीना मेरे खिलाफ लोगों को उकसाएंगे, भड़काएंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे और फिर तीन महीने बाद एक ले जा करके फिर किसी न किसी को पेश कर देंगे। चलिए, मुझे उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है, ये काम जांच एजेंसी का है, वो जांच एजेंसी अब काम करेगी। लेकिन हमने तो लगातार सरकार के फैसले का सम्मान किया और ये लगातार इसका उल्लंघन कर रहे हैं, रोज रोज ये नई डिमांड लेकर के आ जा रहे हैं। अब जांच एजेंसी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने का इनको इंतजार करना चाहिए। फिर ये धरने पर बैठ गए, अब धरने पर बैठ गए, पहले इनकी मांग थी FIR की जाए, चलिए भाई इनकी मांग स्वीकार हो गई, अब FIR हो गई, अब इनको चाहिए, अब कहते हैं कि जेल के अंदर होना चाहिए, सारे पदों से इस्तीफा देना चाहिए। तो ये जो मेरे पास, मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, ये पद मुझे दिनेश फोकाट की कृपा से नहीं मिला है, हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे दे रखा है, और एक बार नहीं छः छः बार दे रखा है, छः छः बार मुझको दिया, मेरी पत्नी को दिया, और उनको उनकी कृपा पर नहीं है, और कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद भी उनकी कृपा पर नहीं है, मैं चुनाव लड़ करके जीता हूँ। अब आपके माध्यम से अब सवाल पूछेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ, एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा क्यों, हरियाणा के अन्य खिलाड़ी क्यों नहीं, हिमाचल के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, बंगाल के, आसाम के, देश के अन्य प्रांतों के खिलाड़ी क्यों नहीं? 12 साल से लगातार इनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, केवल इनके साथ, वो यौन उत्पीड़न देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं होता है? केवल एक ही अखाड़ा और एक ही फैमिली, एक अखाड़ा एक फैमिली, बाकी हरियाणा का 90% खिलाड़ी और 90% गार्जियन बृजभूषण सिंह के साथ है। क्योंकि मैंने काम किया है, मैंने खेल को जहां तक सेवा दे सकता है ईमानदारी से सेवा दिया है, और इसीलिए आज देश का एक, जबकि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि कोई निकल करके आ जाए। लेकिन एक सवाल मैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि 12 साल से इनके साथ ही हो रहा है, एक अखाड़ा एक फैमिली, और इस 12 साल में भी एक बार भी ये शिकायत लेकर के ना तो खेल मंत्रालय में गए हैं, ना किसी पुलिस स्टेशन पर गए हैं, ना कभी फेडरेशन में आए हैं। और यही खिलाड़ी आंदोलन के 15 दिन तक पहले इनकी वीडियो सुन लिया जाए, इनका ऑडियो सुन लिया जाए, और ये जो है हमारी तारीफ करते थे। ये जो खिलाड़ी आज धरने पर बैठे हैं, ये अपने शादी में मुझे क्यों बुलाते थे, फिर जोड़े में होकर के मेरा फोटो क्यों लेते थे, मेरा आशीर्वाद क्यों लेते थे।